अस्सलाम वालेकुम, मेरी नर्सरी क्लास कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास, आज हम उर्दू मज़मून पढ़ाने जा रहे हैं और मैं उर्दू की टीचर मिस फातिमा हूँ। उर्दू, तारीख आज कौन सी है? 30 तारीख है, 11वां महीना नवंबर और 2020। और कौन सा दिन है बच्चों? पीर का दिन है, ठीक है। तारुफ़, हम क्या कर रहे हैं? तारुफ़ कर रहे हैं। तारुफ हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? का का। ये वाला का जो है बहुत सिंपल बोला जाता है, बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें हलक की आवाज़ नहीं निकलती। किस तरह इसको बोला जाता है? का का किताब, का कबूतर, का केला, का खीरा, का किताब, का किताब, का कबूतर, का कबूतर, का केला, का खीरा। आप लोगों ने गौर फरम किया होगा ना कि शुरू में सबकी आवाज़ का की आ रही है और इस का में कोई भी नुक्ता नहीं है, ठीक है। चले अब का किस तरह बनता है मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। ऊपर से दाएं डंडा बनाएं, नीचे इसके कश्ती बनाएं, क्या भला बना? का। बाएं से दाएं डंडा लगाएं, फिर इसके नीचे कश्ती बनाएं, क्या भला बना? का। यहाँ पे कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 चार लाइंस हैं, ठीक है। इन चार लाइन में हम का किस तरह बनता है वो बताएंगे। देखें बच्चों, का किस तरह बनता है? बाएं से दाएं एक डंडा लगाएं, फिर इसके नीचे ऐसे करके कश्ती बनाएं, क्या भला बना? का। बाएं से दाएं डंडा लगाएं, फिर इसके नीचे एक कश्ती बनाएं, क्या भला बना? का। बच्चों अब अपनी आप उर्दू की नोटबुक निकाल लीजिए। बच्चों सबसे पहले इसमें आज की तारीख डालिएगा। आज की तारीख है 30/11/20। फिर इसके बाएं तरफ आप लिखेंगे CW। क्या कर रहे हैं हम? का, ठीक है। अब अपनी मामा से कहिएगा कि वो एक बड़ा सा का आपकी नोटबुक में बना दें, बिल्कुल टीचर की नोटबुक की तरह, ठीक है। और का से आने वाली अगर कोई तस्वीर बना सकते हैं तो वो आपकी मामा बना दें मदद के लिए आपकी, ताकि आपको का की पहचान हो जाए। का, यहाँ पे टीचर ने का से किताब, का किताब बनाई है और का कौवा बनाया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपकी मामा जो हैं उनसे कहकर आप इसी तरह दो कोई तस्वीर बना लीजिएगा। अब इसी तरह का के 3 कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। और हम का की फॉर्मेशन, किस तरह का बनाया जाता है वो सीखते हैं। बच्चों अपनी पेंसिल को शार्प करके अच्छी तरह से वो करके फिर आप काम अपना शुरू कीजिएगा। बाएं से दाएं डंडा लगाएं, फिर इसके नीचे एक कश्ती बनाएं, क्या बना भला? का। बाएं से दाएं डंडा बनाएं, फिर इसके नीचे एक कश्ती बनाएं, क्या भला बना? का। बाएं से दाएं एक डंडा लगाएं, इसके नीचे कश्ती बनाएं, क्या भला बना? का, ठीक है। इसी तरह आपने बकिया लाइनें भी मुकम्मल करनी है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।